Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama cup. जी शाजिया, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मेरी हाल वो गालिब का शेर है ना कि अभी हम उधर हैं जहां हमें अपनी खबर नहीं, वैसा वाला हाल हो रहा है। ऐसा कोई खराब हाल नहीं है, लेकिन एक्चुअली शाजिया की ना एक वो बटन दब गया है अभी, जो थी देर से चुप था। मेरा हाल वो है जो बहुत दफा, इफ यू फॉलो राबिया ऑन इंस्टाग्राम तो राबिया की इंस्टाग्राम पोस्ट जैसा है कि जब मैं बता भी नहीं सकती, जब कोई किसी के लिए अच्छाई करने की कोशिश करता है तो उसको ये भी समझना चाहिए कि वो अच्छाई का ये मतलब है कि उसकी जिंदगी में बहुत चेंजेस आएंगी। तो ये जो है ना किताबी बातें होती है कि अच्छाई करो और अच्छी बातें करो, लोगों को हेल्प करो, जब करने पे आता है ना तो जो सर पे पड़ती है ना वो जो कर रहा होता है। तो फिर राबिया ने एक बड़ी अच्छी मुझसे बात पिछले हफ्ते कही थी, शी सेड बस ये सोचो कि तुम अल्लाह मियाँ के लिए कर रही हो। तो मैं यही सोच के जो है ना बस चुप, तो आगे बस मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट से क्यों आपने रेफरेंस दिया? मैं ये इंटरेस्टेड हूँ उसको जानने के लिए। इसलिए क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पोस्ट कभी भी बड़ी क्रिप्टिक होते हैं, वो बहुत एक पूरी कहानी सुना देते हैं लेकिन कहानी का ये नहीं बताते कि कौन इन्वॉल्व था, क्या हुआ था, मतलब प्लेस, लोकेशन, पर्सन, इंसिडेंट कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो पूरी की पूरी कहानी आ जाती है। तो अभी जो है ना कुछ मेरी ऐसी ही कैफियत है। ओके 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 शुक्रिया। अच्छा, तो दो चीजें, एक तो ये ऑफ कोर्स कि आप अल्लाह के लिए करें, सोच लें ये बात, तो और जब हो तो मैंने मतलब अल्लाह से बोलेंगे मुझे तहम्मुल दे, मुझे जरा पेशेंस अल्लाह ताला अता फरमाए टू डील विद सच सिचुएशंस। दूसरा, लेकिन एट द सेम टाइम शाजी, आई फील दैट जस्ट टेक अ कॉल, इफ समथिंग इज टेकिंग अ टोल देन आई थिंक जस्ट स्टॉप इट, एंड आई डोंट थिंक यू ऑलवेज हैव टू फील गिल्टी अबाउट इट, क्योंकि अगर हम सही तरह ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स अफेक्ट होंगी। सो यू हैव टू पिक एंड चूज के क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मेरा एक लेसन है जो मैंने पिछले दिनों खुद भी सोचा, और मैंने सोचा इट्स ओके मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, और मैं अपनी कुछ चीजों के नहीं निकल सकती तो मैं नहीं निकल सकती, आई एम सॉरी यू नो, बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू बी इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, दैट्स व्हाट आई थॉट। You are so right, and that's what I'm struggling with right now. Okay, not having that guilt to let go when I have to let go, but let the person know कि मैं अपनी तरफ से इतना कर सकती हूँ, and also not yeah, it's hard. और मुझे ये लगा था So कि जब मैंने ऐसा कोशिश की कि जबरदस्ती, आई वाज लाइक नो नो आई हैव टू, आई हैव टू, तो मेरे रवैये में भी शायद वो पता चल गया, या और मैं उतने अच्छे से कर भी, तो मैंने सोचा यार मैं भी फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, उन जिसके जिसके लिए कुछ कर रही हूँ उसको भी लगे एहसान है, ओवरऑल एक अजीब सा दिन गुजर रहा है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इज इट ऑल वर्थ इट? आई वाज लाइक नो इट्स ओके, आई कांट डू इट राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन आज से एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, अगर मैं कुछ और अच्छा कर सकूंगी आपके लिए तो आई विल डू दैट, यू नो, एंड मी नॉट डूइंग इट डजंट मीन दैट आई एम नॉट देयर फॉर यू और आई एम नॉट सपोर्टिंग यू, इट्स जस्ट नॉट वर्थ कॉम्प्रोमाइजिंग माई ओन वेल बींग, दैट्स व्हाट आई थॉट। आई थिंक यू जस्ट हेल्प मी मेक अप माई माइंड, या थैंक यू। ओके, चलिए जी, हम ओके आते हैं अब ड्रामों की तरफ। जी करिए। ड्रामा आज का ड्रामा तो आप मेरी तरफ से जो का तू होगा, मैंने कुछ लिखा नहीं है, नॉर्मली मैं लिखती हूँ, मैंने दिमाग में लिखा हुआ है तो वो दिमाग से चलेगा आगे। राबी को पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, आई डोंट नो वाई, यू का तू रेफरेंस क्यों इस्तेमाल किया आपने? बिकॉज मैं जैसे यू करके ख्याल आएगा दिमाग में मैं यू निकालूंगी। अब वो बाद में मन सब एडिट में काट दे तो दूसरी बात है, लेकिन मेरी तरफ से कुछ दिमाग में प्लान नहीं है, कहिए। ओके हाँ ठीक है, सही है, गुड गुड। चलिए जी, आज हमारे पास है एहराम जुनून, मुझे प्यार हुआ था, क्या है, और गुरु लोक लोक सरकार, सरकार, नीम, एंड देन मेरे बन जाओ। यस एंड गुरु, आई हैड कट यू ऑफ, यू सेड गुरु, ठीक है। वी कैन बिगिन विद मेरे बन जाओ। ओके, ट्रू। देख लिया आपने, मैं तो समझ ही थी कि आप उसको जो है ना वो कर देंगी कि शाजिया देख लेगी। मैंने लाइक लिटरली 15 मिनट्स में देख लिया, एंड आई वाज लाइक मैं सोची थी यार पता नहीं क्या जिंक्स्ड है हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, अच्छा भला चल रहे ना, नो लेट्स टेक दिस टर्न, नो लेट्स टेक दिस टर्न, मतलब भाई इधर हो, ये रास्ता है, इस रास्ते पे रहो, वो निकल गई, वो भिखारी बन गई, वो भीख मांग रही है, और पता नहीं क्या क्या, यू नो, अजीब एक अच्छा भला ड्रामा चलते चलते पता नहीं अब वो किन किन रस्तों पे दौड़ रहा है, एक ड्रामा एक स्टोरी। एक ड्रामा दौड़ रहा है और कॉइंसिडेंसेस इतनी होती है कि सब सबसे सही मोड़ पे मिल भी जाते हैं, वो सड़क पे खड़ी हुई थी वहीं दूल्हा दुल्हन भी आ गए,
और फिर वो उधर जाती हैं तो वो उनका दोस्त भी पहुंच ही जाता है वहां, वो लगता है कि पूरी सिटी जो है वो एक मोहल्ले में घूम रही है, विच इज गुड क्योंकि उससे शायद थोड़ा सा तेज चल जाए ड्रामा. लेकिन यस वेरी सैड व्हाट इज हैपनिंग टू इट, क्योंकि वी वर वेरी एक्साइटेड. देखो अब सोचना पड़ता है कि शुरू की किस्तों में कितना अच्छा नैरेटिव था, कितना रिलेटेबल नैरेटिव था, एंड वी वॉन्टेड कि एक प्रॉपर लड़कियों को और लड़कों को हिदायत मिले इस ड्रामे से. लेकिन यहाँ हमें कोई उल्टा यही दिखाया जा रहा है कि ये लड़की तो ऐसी हो गई है, घर वालों ने बाहर निकाल दिया, ये तो यहीं बैठेगी, कुछ नहीं हो सकता. सो इट्स 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 वेरी वेरी सैड दैट वी आर जस्ट वॉचिंग नाउ टू फिनिश इट ऑफ. और दो तीन चीजें जो मैं कहना चाहती हूँ. सबसे पहली बात ये है कि इतनी सॉरी थोड़ी, आपका स्क्रिप्ट अच्छा है, आप इंटेलिजेंट लिख रहे हैं, तो मेंटेन दैट. कुछ ना बहुत ही अजीब सी बातें हो रही हैं भाई. अब तो वीडियो आपकी निकल गई, तो अब आप क्यों नहीं बताएंगी फरदीन का नाम? आप इतना झिझक क्यों रही है? पूरी एपिसोड के एंड पे ले जाके उसने बोला ये फरदीन ने किया था, वो भी एक दूसरे को देख रहे हैं. मे बी आई मिस समथिंग, आई डोंट नो, बट ये तो हो गया. अब तो सबसे पहले बताओ कि फरदीन ने किया है, फरदीन इज द वन हु डिड एवरीथिंग. तुम्हारा मियाँ चला गया है जेल में, तो वहां पे कुछ नहीं, वो पूरी एपिसोड गुजर गई फिर भी उन्होंने झिझक 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 के बताया, पहली चीज. के सेकेंड ये कि वो जो बेचारी लड़की है फरा, उसका क्या कसूर है? उसका तो आपने निकाह करवा दिया फरदीन से. कोई मतलब कुछ तो दुनिया में होप देना, कुछ तो वो करें. वो तो बेचारी अच्छी थी. अच्छा सारी कॉन्वर्सेशन होती है, फरा को कॉन्वर्सेशन नहीं सुनाई देती, वो हमेशा एंड पे पहुंचती है जब सब कुछ रैपअप हो जाता है. In fact, Para could have been instrumental in finding out कि क्या हो रहा है. And I at least Para से भी बड़ी उम्मीदें थी शुरू में, लेकिन that also went down the drain. Yeah, it is. और अभी तक भाई भाभी को नहीं पता, अम्मा अभी तक बेहोशी पड़ी हुई है, वरना अम्मा को तो पता था, उन्होंने शादी करवाई थी, तो वहां से भी कुछ नहीं हमें होप मिल रहा है. ये जो है ना तुम्हारा नैरेटिव की क्यों नहीं बता रही, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू पिन पॉइंट व्हाट हैपेंस इन अ सोसाइटी इज राइट, कि जब एक लड़का लड़की के बारे में, दिस इज आई थिंक दिस इज वेयर द थिंकिंग इज गोइंग, के बारे में पता चलता है कि ओ दे वर इन्वॉल्व, तो फिर तो अच्छा चलो शुक्र शादी हो गई, ठीक है उन्हीं की शादी हो गई, तो लोग तो उनको ये दिस इज द नैरेटिव दे आर फॉलोइंग कि चलो जकी ने किया था तो जकी से ही शादी हो गई, विच अगेन इज अ वेरी ओल्ड फैशन नैरेटिव. दे नीड टू चेंज इट एंड अंडरस्टैंड कि शी शुड से, और क्यों एक बुरा आदमी क्यों करेगा आपसे शादी जिसकी वीडियो आपने आउट करी है. आपको एक अच्छा आदमी भी मिल सकता है अगर आपकी वीडियो आउट हुई है. सो सो दैट इज आई थिंक दैट्स वेयर द नैरेटिव इज कमिंग फ्रॉम, विच इज नॉट फेयर. हमें अब वो बदल देना चाहिए, लड़कियों से गलतियां होती हैं, शादियां कहीं और हो जाती हैं, लड़कों से भी गलतियां होती हैं, लड़कों को तो हम कुछ कहते नहीं है. So, yeah. बस अच्छी बात ये है that Zaki is standing up for her. और हाँ अब वो फरदीन का अभी तक हो जाना चाहिए था, we should have been able to see his मकफाते अमल, लेकिन हमने नहीं देखा अभी तक. मार वार देंगे उसको, वो गिर जाएगा, उसका दिमागी तवाजुन खराब हो जाएगा, ये उसका मकफाते अमल होगा बस. ठीक है जी, वी कैन गो. अब्बा कभी तो होना चाहिए, फरदीन के अब्बा कभी सबसे मास्टरमाइंड तो वो ही है. हाँ फरदीन के अब्बा का भी होना चाहिए, वो अपने बेटे को देख देख के कुटते रहेंगे, ये होगा शायद. अनफॉर्चुनेटली ये दिखाती है ड्रामो में कि लोगों को अपनी औलादों के बारे में कुछ नहीं पता होता, वो अम्मा के इतने प्यार से कि नजर लग जाएगी ये होगा, उनको अभी तक नहीं पता कि उनके बेटे की क्या व्हाट ही इज केपेबल ऑफ डूइंग. आपके घर में बड़ा होता है, आपको थोड़ा बहुत तो ख्याल होना चाहिए. सो ये बहुत फिर रियालिटी से रिमूव हो जाता है. बट एनी वे वी कैन मूव We ऑन. have Guru then second pe. ओके I am enjoying the changes that they are trying to bring. बहुत अच्छा लग रहा है कि वो उस कहानी को लेके आगे चल रहे हैं राबिया, उन्होंने छोड़ नहीं दिया बीच में, उन्होंने कहा है कि ये बच्ची को बड़ा करेगा, इसके सामने मुश्किलात आएंगी एंड ही इज गोइंग टू डील विद देम एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ करेज गोज इनटू एड्रेसिंग दीस थिंग्स एंड आई एम सो ग्लैड दैट दे आर शोइंग अस, पूरा पूरा दिखा रहे हैं. मुझे दो तीन चीजें अच्छी लगी. एक तो ये कि वो दिखा रहे हैं कि वो जो दो लोग चले गए उस घर से, उनका अभी तक दिल में बिटरनेस है, वो एंडिंग होती है, तो वो तो लाइक दे आर टेकिंग दिस स्टोरी फॉरवर्ड, जो आई एम श्योर आगे जाके इसका कुछ ना कुछ होगा. कहती है ना, हम जाएंगे जहां से निकाला गया था वहीं पे वापस जाएंगे, तो शायद जब बच्ची बड़ी हो जाए तो उसकी जिंदगी में ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो कहानी को लेके चल रहे हैं. ऑफ कोर्स द चेंज ओवर वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड, के वो जो प्रोफेसर साहब हैं वो उसको एहसास दिलाते हैं उसकी उनकी वाइफ भी, के देखो तुम अगर चाहते हो तो तुम ये चेंज करो, बच्ची को कंफ्यूज नहीं करो, बिकॉज ऑफ कोर्स जहाँ इतनी एजुकेशन नहीं है तो
तो बच्ची को कॉन्शियस फील कर सकती है, उसको समझ नहीं आएगी तो उसको एक उससे चलने दो। आई ऑल्सो फील कि वो कहता है जब सलमान जो नया नाम है सलमान का, तो से वो उसे कहती है कि पता नहीं क्या, तो वो कहता है नहीं इसको कभी मैं पता नहीं चलने दूंगा हमारी रियलिटी, विच आई फील मे बी आगे जाके दैट नीड्स टू बी चेंज, या ये होता कि जब बड़ी हो जाएगी तो बिकॉज वी नीड टू ओन इट ऑल्सो ना, जहाँ जहाँ हम ये दिखा रहे हैं कि उनके चैलेंजेस हैं, हम उनकी बड़ी पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी की एंड ऑल दैट, देन वी ऑल्सो नीड टू सेंड दिस मैसेज अक्रॉस के वो भी ओन करें और हम भी ओन करें और सोसाइटी उनको ओन करें एज रेगुलर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये मुझे लगता है आई एम श्योर आगे जाके नैरेटिव चेंज होगा। That is the most beautiful thing that they're trying to show here. क्योंकि वो कहती है आप सुरैया को सलमान क्यों कह रहे हैं? That was so cute. And then वो जिस तरह बॉल के साथ खेल रहा होता है और वो कहती है and he says कि नहीं इस तरह मत बोलो and she says क्यों नहीं बोलूं? So I hope कि ये जो बच्ची है ना मरियम, she is the one who will own them first because she will love them for whom they are. क्योंकि वो बेचारे अपने आप को भी, और देखो ये कितनी सैड रियलिटी है मार्शलाइज कम्युनिटीज की कि वो अपने आप को भी अच्छी नजर से या पॉजिटिवली नहीं देख सकते, वो उसको बहुत बुरा लगा, उसने कहा नहीं 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 इस तरह नहीं बात करते जिस तरह तुम बात कर रही हो। सो सो दैट इज रियली अच्छा। कमिंग टू द चेंज जो इनका हुआ था गुरु का, इट्स सो इंटरेस्टिंग, बाल कट गए सब कुछ हो गया बट यू कुड स्टिल सी द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एंड देयर वाज अ क्लोज अप जब वो गली से चलते हुए आ रहे थे, तो it's very interesting that he managed to retain that. First of all, thank you to Ali Rehman Khan because he managed to keep that. ये नहीं था कि आपने बाल काट दिए, आपने कुर्ता शलवार पहन लिए तो सब चेंज हो जाएगा, because it didn't and we could see that. मैं बिल्कुल यही पॉइंट मेंशन करने वाली थी कि मैंने भी नोट किया जैसा को परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी थी उस पॉइंट पे, द फेस इट मेक्स जब वो रियलाइज करते ना कि गली से गुजर रहा है और सब लोग उसको देख रहे हैं, सो ही हैज दिस एक्सप्रेशन, इट वाज सच अ वेल परफॉर्म सीन, इट रियली गिव अ आई मीन रियली रियली हैट्स ऑफ टू हिज परफॉर्मेंस, बिकॉज उधर उनके पास ना कपड़ों का की सपोर्ट थी ना मेकअप ना किसी चीज के, इट वॉज जस्ट हिज एक्सप्रेशन जो और भी ज्यादा नजर आ रहे थे क्योंकि बाल छोटे हो गए थे। तो यस डेफिनेट And the direction for closing up on his face at that time. So drama is really interesting and I'm liking the journey and बड़ा अच्छा है कि उन्होंने फौरन ये नहीं दिखाया कि बच्ची थी अब जवान हो गई, वो हमें उसके बचपन में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बच्ची की भी एक पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, यू नो विच इज कि वो स्कूल के वो पढ़ने के लिए जा रही है, थोड़ा इंग्लिश प्रैक्टिस कर रही है और घर में किस तरीके से है, सो इट्स अ लवली जर्नी दैट वी आर गोइंग थ्रू। It's very nice. And bachi ka also I wanted to say ki mujhe I'm really enjoying her performance. Thoda thoda aa raha hai, simple aa raha hai but bahut acha lag raha hai. और शाजिया आई वॉन्ट टू मैंशन वन मोर थिंग, गुरु जहाँ और बहुत सी अच्छी चीजें कर रहे हैं, यू नो इतना इम्पोर्टेंट है, वो एक टॉक्सिक मौलवी साहब दिखा सकते थे, एक टॉक्सिक यू नो चीज दिखा सकते थे, उन्होंने एक पॉजिटिव इनकरेजिंग सपोर्टिंग यू नो मस्जिद का माहौल और मौलवी साहब दिखाए जो आते भी हैं और उसको बोलते हैं कि तुम नमाज के लिए आओ, फिर उन्होंने दिखाया कि वो प्रोफेसर साहब के साथ जा रहे तो उसने टोपी पहनी हुई है, यू नो सो दीज आर सो इम्पोर्टेंट टू गिव गाइडेंस, टू गिव होप, टू गिव पॉजिटिव आइडियाज के यार आप ये एटीट्यूड भी रख सकते हैं, दिस इज अनदर वे ऑफ इनकरेजिंग पीपल टू कम टूवर्ड्स इस्लाम या नमाज की तरफ या कुछ भी, यू नो बिल्कुल बिल्कुल, इट इज वेरी ब्यूटिफुल एंड आगे भी जाके और दिखाएं आई होप, एंड दिस इज फॉर ऑल द पीपल जो अभी भी हमारे पोस्ट के नीचे लिख रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली कि ये ड्रामा हमें नहीं देखना, ये तो ट्रांस के ऊपर है, तो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करें क्योंकि अल्लाह मियां ने उनके लिए जगह बनाई है, मैंने काफी रिसर्च करी थी इसके ऊपर एंड सो डोंट डू दैट एंड आई एम ग्लैड, वो मैं यही कह रही हूँ पूरी तरह से नैरेटिव को लेके आगे चल रहे हैं, वो कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, इट्स नॉट ईजी, और साथ साथ वो उनकी भी कहानी दिखा रहे हैं जो दूसरी बहन है उनकी भी दिखा रहे हैं, सो व्हेन दे ग्रो अप दे माइट बी इन द सेम स्कूल आई थिंक, इसीलिए स्कूल की बात भी कर रहे थे, और स्कूल का भी कितना अच्छा था, द वे दे शोड द होल एडमिशन प्रोसेस एंड नहीं मिलता है, इट्स रियली नाइस, इट्स अ वेरी यू नो अपलिफ्टिंग प्रोजेक्ट, इट वाज ओके, सो नाउ वी कैन डू नी, वी कैन डू नी जी। तो शाजिल और इन्होंने जो है ना ज़ेमल ने खूब गुस्सा दिलाया है करामत को, ज़ेमल ने तो चलो मुंह से बोल के एंड शी वाज वेरी ब्लंट, शी गेव इट टू हिम,
शाजल ने जो है ना बहनों बहनों की बात करके और इधर उधर से साइड से निकल गए, तो एंड देयर जबरान एक्सप्रेशन, सैयद जबरान एक्सप्रेशन, यू कुड सी दैट कि कुछ बोल नहीं सक रहा है. तो वो दोनों सीन्स वर वेरी वेल. और दोनों में उनके एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे थे, शाजिया सैयद जिब्रान के. जब जिमल भी उनको सुना रही होती है तो वो इधर उधर थोड़ा सा वो होते हैं, थोड़ा सा वो भी कहीं, आई डोंट नो व्हाई इन व्हाट फ्रेम ऑफ माइंड ही थॉट कि जिमल बाबा जान की ख्वाहिश रख के उनसे शादी कर लेगी. फिर जब हाँ शादी आता है वहां, तो वो जो ना खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वो वाला, बिल्कुल ना इधर समझ आए ना उधर समझ आए, और ऊपर से शादी लगा लगा के बहन भाई और लोग बड़े वो होते हैं. इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन टू वॉच. लेकिन वॉट इज ही अप टू, आई एम क्यूरियस. मैं समझी थी शायद किसी तरह शादी नहीं होगी, शादी तो हो गई है जमल की, शी इज गोइंग विद शाजिल. तो अब आई एम क्यूरियस टू नो कि स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, बिकॉज शी विल कम बैक. What I wanted to thank the writer and the director for was कि जिमल स्पोक. हम हमेशा देखते हैं कि एक अच्छी लड़की है जो सीधे रास्ते पे चल रही है और चुप, क्योंकि पहली दफा शी हर्ड शी डिडंट से एनीथिंग, लेकिन दिस टाइम शी केम फॉर एंड शी सेड टटटटटटट. तो वो जो समझ रहे थे कि क्योंकि वहां भी चुप थी वो, जब वो ग्रेवयार्ड पे मिली थी उनसे, तो उसने अपना लिहाज रखा हुआ था. बट देयर केम अ पॉइंट वेयर शी सेड एंड वी वांटेड हर टू स्पीक देन. अगर वो नहीं बोलती तो हमें काफी वो. अच्छा, एक बड़े मजे की मीम नहीं, किसी ने ट्वीट करी थी एंड आई रियली फाउंड इट फनी, अशद के बारे में, कि जब वो बेचारे पाकिस्तानी ड्रामे में जो हीरो होते हैं जिनकी मोहब्बत उनको नहीं मिलती वापस, तो फिर वो किसी बाजार पे जाके बैठ जाते हैं, लेकिन अशद ने जो है ना अपना कोपिंग मैकेनिज्म बिल्कुल चेंज कर दिया. उन्होंने कहा मुझे तो जाना है अमरीका. सो दे वर, वैसे अशद का फैन फॉलोइंग इतनी है कि वो कुछ भी करे पीपल विल लव हिम, बट दिस वॉज नाइस. इट वॉज इंटरेस्टिंग. अशद का भी बड़ा अच्छा दिखाया है कि कैसे वो जा रहा होता है. अगेन अमीर इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड देन ही टर्न्स बैक एंड ही इज, थैंक गॉड ही इज नॉट टॉक्सिक, दैट कैरेक्टर इज नॉट टॉक्सिक. लेट्स सी शाजिल और अभी आगे जाके दोनों में से कौन हमारे सही हीरो निकलते हैं. अच्छा, आई लव द क्लोथ दैट मावरा वॉज वेयरिंग, वो बड़ा अच्छा. उन्होंने आई थिंक एक लोकल ट्रेडिशन जो उनके कपड़े होते हैं सिर्फ वही पहनी थी, बाकी लड़कियों में तो मुझे कोई ऐसी खास चीज नहीं कपड़ों वाइज नजर आई, बट उनके कपड़े, उनका वो जो ऊपर सर का भी था वो डिफरेंट था. सो इट्स नाइस कि दे आर इनकॉर्पोरेटिंग दीज स्मॉल डिटेल्स इन द होल Yes. स्क्रिप्ट. अच्छा, Yeah. हमारा अच्छा, डायलॉग, हाँ बोलो हाँ हमारा. का इंटरव्यू आ गया है. वी हैव स्पोकन अबाउट नीम आल्सो इन दैट, सो डू कैच इट. एंड बहुत मजे की कॉन्वर्सेशन है अबाउट नीम, अबाउट उनका जो दूसरा ग्रीन पे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आ रहा है नौरोज. सो मजे की बातें हुई हैं और कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग सुनाई देगा और कुछ थॉट प्रोवोकिंग बातें भी हैं. सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डू कैच इट. मुझे अशद का एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा था एंड दैट समथिंग दैट आई डोंट नो लोगों ने गौर किया कि नहीं, बट ये एक एग्जांपल है. इट इज एक्चुअली समथिंग वी शुड रिमेम्बर. ही से उसका दोस्त कहता है ना कि नहीं नहीं वो आ जाएगी, मैं जाके बात करूंगा. उसे कहा नहीं, वो उसको पसंद करती है. सो दैट इज वेयर ही सेड ना ही इज नॉट टॉक्सिक. तो ही बैक्ड ऑफ हिमसेल्फ, ही सेड बट शी लाइक्स हिम. सो दैट्स व्हाई वी लाइक अशद. ना काशिफ अनवर है और मुझे काशिफ अनवर की ये बात अच्छी लगती है कि ठीक है, वी माइट हैव स्लाइट इश्यूज विद द स्क्रिप्ट या कुछ भी, लेकिन उनके मैसेजेस बड़े जबरदस्त होते हैं. एंड ही ऑलवेज ब्रिंग्स आउट द प्रोग्रेसिव आइडियाज इन हिज कैरेक्टर्स इन हिज स्टोरी, तो हम ये यहाँ पे भी देख रहे हैं. अच्छा शाजिल, एक और चीज ये कि जहाँ आप जिमल की, अशद की और शाजिल की स्टोरी देख रहे हैं, वहीं आप देख रहे हैं करामत क्या की टॉक्सिसिटी, उसका नेगेटिव. लेकिन करामत के गिर्द आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सब्जेक्ट की बात करें, विच इज लैंड ओनरशिप. उसने अभी भी छोड़ा नहीं है, उसने अपने बंदे को बोला जाओ मालूम करके आओ इनमें से कौन कौन वीक है. एंड आई नेवर इवन थॉट अबाउट इट. एंड लाइक ये इतना डीप स्क्रिप्ट है इफ आई लुक एट इट नाउ, कि वो ह्यूमन नेचर जो है वो, जिसमें लालच आ जाता है, जिसमें इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, उस सब पे इज गोना प्ले. बिकॉज आप तभी तो वो जो जोड़ है लोगों का उसको तोड़ेंगे ना जब आप इन चीजों के ऊपर प्ले करते हैं. तो आई फाउंड दैट कॉन्वर्सेशन वेरी इंटरेस्टिंग. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू सी, जब आपके सर के ऊपर से हाथ हट जाता है तो इन लोगों को आदत भी तो 3 जेनरेशन से आदत भी तो हुई हुई है ना कि किसी के पास जाएं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसको वो यूटिलाइज करेगा कि हम हैं ना तुम्हारे लिए, तुम हमें पावर दो तो हम करेंगे. सो इट इज इंटरेस्टिंग. और ये भी उसे उसको ज्यादा दे दी, इसको कम दे दी, दे पिक अप दी स्मॉल थिंग्स विच इज जस्ट बेसिक ह्यूमन. सो नीक मजे का होता है, इंटरेस्टिंग होता है. इसमें फिर उसका कैरेक्टर अब आएगा, असद का कैरेक्टर जो उसका भाई है अशद का, दैट विल कम इन टू प्ले बिकॉज ही वाज ओवरलुकिंग दिस. सो इट विल बी अच्छा. उनकी बेटी का भी
कितना देखो कैसे जोर जमाता है, उसको पढ़ने नहीं दे रहा है आगे। यहाँ भी शायद आई थिंक जिमल के साथ कुछ, होपफुली बिकॉज जिमल ने कहा था कि नो यू शुड स्टडी मॉम, तो कुछ होगा टकराव मे बी। मैं तो बस उसकी तस्वीरों की वजह से बहुत परेशान हूँ और बहुत खौफजदा हूँ उसके लिए। वो जो तस्वीरें खिंचवाती रहती है ना, कभी यहाँ बैठ के कभी वहां बैठ के, पता नहीं हाउ विल ऑल ऑफ दैट एंड। बिल्कुल या शी इज वेरी सिली बट आई एम ग्लैड देयर शोइंग कि उसको पढ़ना भी आगे, सिर्फ ये नहीं करना, तो दैट इज पॉजिटिव। ओके वी कैन गो ऑन, बट नेम इज रियली इंटरेस्टिंग, कीपिंग अस इनफॉर्म्ड। एहरामे जुनून रामे जुनून की मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीन किस्तें आई हैं बैक टू बैक, और मैंने तीनों किस्तें देख ली है। राबी आपने तीनों देख ली है? वेरी बेबी गुड, बेटा कैच आउट। होमवर्क पूरा हुआ है। हाँ अच्छा, तो अब वो देखो अब प्रोमो में दिखा दिया, अब बताएंगे वो उनको फाइनली कि सजीला से मेरी मंगनी हुई भी है, लेकिन उन्होंने हमें खींचा नहीं बताया, जबकि वो एक फ्लैशबैक हटा के हमें बता सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कहा हम अगले हफ्ते के लिए छोड़ेंगे, तो ये है। लेकिन शांति छाई नहीं है घर में। ये तो एक पुरानी है ना, अब तो तुम्हें इस पे ये कहना चाहिए आदत सी हो गई है अब तो। हाँ आदत सी हो गई है हमको, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्या। ओके, लेकिन एहरामे जुनून की कुछ बातें मैं करना चाहती हूँ जो मुझे अच्छी लग रही है। नंबर वन ये कि दे आर टॉकिंग अबाउट डाउरी, जहेज, जो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने बताया, और ये कि एजुकेटेड लोग, एंड वो मतलब मैं इवन आई वॉज अमेज जिस कॉन्वर्सेशन, जिस तरीके से जितने आराम से वो दोनों माँ बेटी आई, उन्होंने पहले एंड देन यू नो वो इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कॉन्वर्सेशन को गर्म किया गर्म किया, यू नो अब एंड में जाके गाड़ी भी बता दी और वो लिस्ट भी दे दी टू मेक श्योर कि कहीं से भी गलती नहीं हो कि ये दे दें हम। तो मुझे ना ये इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को बीच में इनकॉर्पोरेट किया है स्क्रिप्ट के और उसको लेकर आए। और फिर दूसरा, मुझे नादिया फाइनली खड़ी हो गई, मुझे इस बात की खुशी हुई। आप बोलिए। मुझे नादिया की बातें बहुत अच्छी लगी थी, शी वॉज रेडी टू लेट गो एंड आई वॉज होपिंग के खत्म हो जाए, लेकिन ये कितना तेज है खावर, कितना तेज है द वे ही टर्न अराउंड। बस मुझे नादिया का थोड़ा सा ये था कि वो उस लालच में नहीं आई, क्योंकि उनकी अम्मा ने कहा था मैं तुम्हारी अच्छी जगह शादी करा दूंगी, तो तुम फिक्र नहीं करो, सो इस बात से ना तोड़ रही हो, बट अदरवाइज आई एम ग्लैड शी पुट हर फुट डाउन। ये नहीं था, उसको ना शांजे की बात याद आती है, शाजिया जब शांजे हाँ ना और माँ कहती है तो वो कहती बात भी नहीं। बहुत लालची होगी। एक तो वहां हाँ अब वो शांजे को पसंद करती है, शी लुक्स अप टू शांजे, और देखो उसके यस अपने घर में तो उसको लग रहा है ना कि सब मेरी खुशियों के अगेंस्ट है, लेकिन शांजे शांजे एक पढ़ी लिखी एक अच्छी औरत है, यू नो, तो वो उसको उसकी बात सुन रही है। और फिर बाद में शांजे ने बोला कि जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपके लिए आजमाइश ही नहीं क्रिएट करते, एंड दैट वॉज द तो डायलॉग खावर को आगे बोला। बिल्कुल राबिया आप बहुत सही बात कर रही हैं, यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड टुडे, सो इट इज ट्रू यू आर राइट। एंड इसमें आई वांट टू से कि शांजी चाहे वो जितने भी रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रही है, शांजी इज अ वेरी पॉजिटिव प्रेजेंस इन देयर हाउस, एंड चाहे आप कहीं के वो लालची बन रहे हैं, वो कुछ भी बन रहे हैं, लेकिन उनको शांजी की बातें, शांजी का तरीका, द वे शी इज कर्टियस, तमीजदार, वो सब उनको अच्छा लग रहा है। हाँ उसके साथ शांजी के पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसी लड़की को लेते और आप उसको बदतमीज दिखाते, उसको एरोगेंट दिखाते, तो फिर शायद वो ये सब नहीं एक्सेप्ट करते। सो आई हैव टू से नीना मुनीर का कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उन्होंने साजिश ही नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने बहुत एक प्योर एंड जेन्युइन कैरेक्टर लिखा है, विच इज व्हाई आई वाज फीलिंग बैड जब उसने नहीं बताया, नादिया ने उसको नहीं बताया कि वो मंगनी हुई थी, बट देन आई थॉट इट्स नॉट हर प्लेस टू से इट, ये तो शानी को खुद बताना चाहिए उसको, व्हाई शुड नादिया से इट। तो बिल्कुल सही कह रही हो कि उन्होंने शांजे का कैरेक्टर बड़ा ऐसा किया है, लेकिन वो तो हीरोइन है तो उनका कैरेक्टर तो ऐसा होना ही जरूरी था। लेकिन मुझे ना एक चीज मैं सोच रही थी, शांजे जो है वो शानी के पीछे भाग रही है, जो उसमें नहीं है ज्यादा और उसको काफी एटीट्यूड भी दिखाता है और यू नो उसके साथ बदतमीजी भी करता है कभी के, बड़ा इस तरह का एटीट्यूड है। शानी भाग रहा है सजीला के पीछे, जो उसको ज्यादा लिफ्ट नहीं कराती, उसका उसके साथ थोड़ा सा यूं वाला एटीट्यूड है। तो ये मुझे ना ट्रेन बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी कि सजीला आगे है, शानी उसके पीछे, शानी के पीछे शांजे है। सो बोथ शांजे एंड शानी आर रनिंग आफ्टर पीपल हु डोंट वैल्यू देम, यू नो, हु डोंट वैल्यू देम फॉर व्हाट दे आर, जबरदस्ती के रिश्तों में बंधे हुए। तो एक तो मुझे ये चीज अच्छी लगी थी, दूसरी लेकिन एट द सेम टाइम हमें शानी इतना बुरा नहीं लग रहा जितनी हमें सजीला लग रही है। नहीं, मुझे शानी से बहुत इश्यूज हैं, आई एम सॉरी। ये ना मतलब ऑल्दो द स्क्रिप्ट इज ट्राइंग देयर बेस्ट, द स्क्रिप्ट एग्जैक्टली क्रिएटर्स हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू मेक श्योर कि शानी की एक
सॉफ्ट साइड, एक इनोसेंट साइड, या एक थोड़ी सी बेचारी साइड या माफी वाली साइड आपको नजर आ जाए। लेकिन यार ये क्या है, आप उठाते हैं फोन, आपका लहजा जो होता है ना वो शहर That जैसा phone हो call जाता है। he made. That phone call he made in the third हाँ episode. या एंड देन हाँ. नॉट ओनली दैट, जस्ट यू शी कॉल, यू पिक अप द फोन, योर वॉइस बिकम्स ऑल लाइक शहद की तरह नरम हो जाती है, आपका लहजा चेंज हो जाता है, एंड यू आर कम्प्लीटली लाइक यू नो, सो व्हाट आर यू डूइंग, एटलीस्ट डोंट, टू मी दीज थिंग्स लुक प्रॉब्लमैटिक, एंड हाउ कैन यू नॉट स्टॉप फिर योर तो वो फैमिली। कवर अप कर देता है ना. दैट्स व्हाट योर पॉइंट, कि वो इंटेलिजेंटली उसने पहले पूरा कहा, आपने मुझे फोन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. उसने कहा आप गुस्सा हो जाएंगे, फिर उसने कहा नहीं कोई फायदा नहीं है गुस्सा होने का, क्योंकि आप तो मेरी बात सुनेंगी नहीं. देन दे कैट इट अप बाय सेइंग दिस. एंड देन ये सेंटेंस बोलना कि कोई पूछ ही लेता है, भाई तुम इतने चमे क्यों हो रहे हो, तुमने डिस्टेंस रखना है ना, तो हाँ फिर बी बिल्कुल. अ डिस्टेंट फ्रेंड दैट यू आर, डोंट गिव योर होप्स। तो एक तो ये, कैसे अपनी फैमिली को नहीं रोक सकता, जबरदस्ती बोले कि आप करेंगे आई विल रन अवे, मैं नहीं आऊंगा घर, कुछ भी कर ले, एक चीज ये। लेकिन मुझे ना अब मुझे शांति के कैरेक्टर से थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, मुझे ये हो रहा है कि क्या फिर हम यही दिखा रहे हैं कि आप पड़े रहे किसी के पीछे, पड़े रहे पड़े रहे, इवेंचुअली थिंग्स विल वर्क आउट, इवेंचुअली ही विल एग्री, इवेंचुअली कुछ ना कुछ हो जाएगा, यहाँ तो उन्होंने पैसा दिया है ऑफ कोर्स, लेकिन सो जस्ट मिक्स मैसेजेस दैट द ड्रामा इज गिविंग यू नो। शांति का कैरेक्टर पे अगर हम फिर वापस पीछे जाएं और देखें कि वो बहुत डिप्राइव थी, उसके कोई फ्रेंड ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी जैसे मैं अम्मा को देख रही हूँ तो मुझे तो नहीं लग रहा, आई मीन मदर इज देयर फॉर शांजे. ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं है, वरना तो दोनों पेरेंट्स को दिखाते कि अबैंडन किया हुआ होता बच्ची को, एंड शी इज होल्डिंग ऑन टू शानी एज वन लास्ट, कि भाई तो मेरी दोस्त दोस्त ही बन जाओ, कुछ और नहीं है. लेकिन यहाँ उन्होंने ये नहीं दिखाया है, तो इसलिए भी क्वेश्चन मोर कि शांजे क्यों कर रही है इस तरह, शी अच्छा डजंट नीड. मुझे, मैं ये नहीं कह रही क्वेश्चन क्यों, बिकॉज मुझे लग रहा है तो बस स्क्रिप्ट है तो ठीक है, और वो ऐसे कैरेक्टर्स दिखाते रहते हैं हमारे ड्रामे, लेकिन माँ का ये कि शांजे है लोनली, शांजे को कंपनी चाहिए, वो अपनी माँ से वो चीज क्रेव करती है, जो माँ माँ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ जाती है, मोस्टली मोस्टली नॉट ऑलवेज, लेकिन माँ उसके साथ डे टू डे में वो सुबह हेलो करने के बाद उसके साथ नई चीजें करेगी, शी इज नॉट यू नो, तो शांजे को वो चीज चाहिए, शांजे वो मिस करिए, फिर वो एक दोस्त थी जिससे वो चिपकी रहती थी, उसकी शादी होने वाली है, ये शादी हो गई है, तो वो भी उसको डिसअपॉइंट किया है, तो ये चीज है, लेकिन शांजे का ये जो ऑब्सेशन है ना शानी के पीछे, वो मुझे लगता है कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली तो मुझे लगता है शानी और शांजे की शादी होगी होगी। अच्छा लेकिन घर वालों का, अच्छा तुम्हारी बात सॉरी, आई थिंक ये जो तुमने बात बोली ना नादिया वाली के वो उसकी जगह नहीं है, शानी बताए, नहीं भाई नादिया ने जानबूझ के नहीं बताया, नादिया ने अपने तुम बेटा वेट करो सजीला मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने बहुत हमें घूम लिया, उसने कहा अब तो ये, अब तो उन्हें पता चल गया है ना, पहले उन्हें पता नहीं था शांजे की नियत का, अब उन्होंने कहा तो सोने की चिड़िया हमारे हाथ आ जाएगी, हमारे भाई को पसंद कर ठीक है लिया, सजीला, बट आई एम हैप्पी ऑल्सो दैट नादिया इज गिविंग एटीट्यूड टू सजीला. नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ भाई कि सजीला का जरा दिमाग ठीक होगा, उसको शॉक तो लगा है जब नादिया ने उसको कहा ये मेरी यू नो रिश्ते, कोई फूफो की बेटी है क्या बोला था, फूफो की बेटी है, तो हाँ, ये कजन. बताया कि ये मेरी उसकी मंगेतर है, तो सही क्या बिल्कुल. अम्मा को तो पहले से ही उनको पता चल रहा है कि दाल में काला है, पर ठीक है यार होना चाहिए, सही है। ऐसा होना चाहिए था, आमना सामना वो गुड. वो बहुत नाराज हो गई कि उनको उन्होंने मुझे ऐसे कजन इंट्रोड्यूस करा, तो भाई तुम ही तो चाहती हो कि शानी ना बताए उसको. यू या आर द वन सेड कि डोंट टेल हर, तो अब नहीं बताए तो फिर कैसे इंट्रोड्यूस करें, कजन ही करेंगे ना इंट्रोड्यूस, और कैसे करेंगे. एंड आई हैव टू से प्लीज सेकंड एपिसोड को इतना ड्राई किया, मतलब शानी को 10 बार सोच रहा है, फिर शानी माँ की बात 10 बार सोच रहा है, मुझे लगता है कि मेरा टेस्ट लिया जाता सीरियसली तो मैं आंखें बंद के डायलॉग्स लिख सकती थी, ये माँ ने ये इतनी बार बोला और सजीला ने उसको इतनी दफा बोला कि शांजे को इस तरह तुम धोखा दे सकते हो और शांजे ने ये बोला, यू नो लाइक रियली रिक्वेस्टिंग यू एवरी वन दैट प्लीज कैन वी जस्ट क्रिएट बेटर सीन्स, मोर सीन्स, लॉजिकल सीन्स, रादर देन जस्ट प्लेइंग विद यू नो फ्लैशबैक्स एंड टॉर्चरिंग द ऑडियंस। Yes, totally agree. But I'm glad they brought up Jahez. And उसने शानी ने बड़े सटली कहा कि वो तो मुंह पे कह रहे हैं, आप तो दूसरे तरीके से निकाल रही हैं. तो ये भी मुझे एक्चुअली डायलॉग अच्छा लगा था, टू एंड इट दैट शी रियलाइज कि हाँ ये तो रोज शॉपिंग लेके जाती है. उन्होंने देखो बातों बातों में बहुत कुछ कह रही थी उनकी अम्मा, कि वो ससुराल वाले आए थे, ये लिस्ट लेके दे गए, पहले भी कुछ कहा था इसी तरह का कि उसकी तो मंगनी हो गई है. सो शी इज डूइंग द सेम थिंग बट शी इज डूइंग इट इन अ डिफरेंट वे, एंड दैट मेक्स अस, इट मेक्स इट मोर रिलेटेबल व्हेन पीपल शो दैट. ठीक है, वी है मुझे प्यार हुआ था।
अच्छा, सो दिस इज वॉज माई प्रिडिक्शन एंड मेरी ट्विटर पे लोगों से बहस हो रही थी इसके ऊपर, क्योंकि लोग कह रहे थे कि नहीं अभी तो बहुत सारी किस्तें बची हैं, अभी तो इन दोनों की लव स्टोरी दिखाएंगे हमारे हीरो हीरोइन की, माहिर की और साद की. मैंने कहा नहीं, अब ये आपको जावियार का रिवेंज ट्रैक दिखाएंगे, बट यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिवेंज ट्रैक, सो डिड आर यू एंजॉयिंग इट नाउ? बड़े उससे पूछे, आर यू एंजॉइंग इट नाउ? नो, आई एम नॉट एंजॉइंग इट. आई एम रियली सैड एंड डिसअपॉइंटेड, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल कंटेंट था जो इस हफ्ते हमने देखा. क्योंकि एक तो भाई, कितनी बार हम यही सिनारियो कितने ड्रामों में देखेंगे यार, प्लीज. एंड बिकॉज ऑफ दैट, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू. आपने तो उसको ऐसे ट्रिवलाइज कर दिया, छालिया और सुपारी की तरह, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो. क्या हो गया है भाई? डू यू नॉट रियलाइज वॉट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? डू यू नॉट रियलाइज कि हर बार एक औरत जब अपने लिए आवाज उठाती है ऐसे, तो कितनी उसको शक और शुभात की निगाहें फेस करनी पड़ती है? अफवाह के कैरेक्टर को आपने ये करते हुए दिखा दिया, वो भी एक एजुकेटेड लड़की को, ठीक है? और भी ज्यादा आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, यू नो, एक एक एम्पावर्ड लड़की, एक एजुकेटेड लड़की, जिससे आप एक्सपेक्ट करेंगे नहीं यार कुछ बेहतर. वो एक तो उसको बिल्कुल ही साइको दिखा दिया, वो भी चल रही है पीछे हरीक के पीछे. प्लीज, कैन वी नॉट हैव बेटर ट्रैक? आप सिर्फ वो बार बार अब ये दिखा रहे हैं कि फॉल्स एलिगेशन है रेप का, वो ये भी स्टीरियोटाइप कर रहे हैं कि एक लड़की जो है वो दूसरी औरत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो इसी तरह टॉक्सिक होगी, और आप एवरी अदर ड्रामा शोज दिस ऑल्सो, इतना नेगेटिव आप दिखाते हैं किसी लड़की को इस तरह की हरकतें करते हुए कि इट्स अनफेयर. अच्छा, और दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि आप अरीब के रिवेंज का ट्रैक जो चल रहा था, वो फिर भी ना सही था. मैं कहती चलो यार ठीक है, हम देख सकते हैं कि वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, स्टॉक कर रहा है, यू नो, उसने अटैक करा दिया वो. लेकिन ये बिल्कुल इरेस्पॉन्सिबल था. एंड आई एंड देन आई आई एम क्वेश्चनिंग कि कितने लेवल्स पे. एक तो ये कि घिसा पिटा ट्रैक आप दोबारा यूज करें, एक दूसरी बात ये कि आप एक इतने इंपॉर्टेंट इशू को इतना ट्रिवलाइज करें. तो मतलब पूरी टीम में से किसी को ख्याल नहीं आया, कंटेंट डिपार्टमेंट में किसी को ख्याल नहीं आया. चलो, मैं राइटर को बोलूंगी, उनका दूसरा ड्रामा है, शायद उन्हें ज्यादा बेहतर, यू नो, स्टोरी लाइंस लिखने के लिए और एक्सपोजर चाहिए. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, माय अपोलॉजीज, बट इट इज द फैक्ट, यू नो, बिकॉज एंड अगेन मैं वही बात बोलूंगी, दैट शोज वी नीड राइटर्स हु हैव एक्सपीरियंस. लेकिन मैं राइटर को क्या छोड़ बोलूं, या तो पूरी टीम है, ये तो पूरे कंटेंट डिपार्टमेंट है, जहां किसी को ये रियलाइजेशन नहीं हुई कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज होती है. यू आर क्रिएटिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल, यू नो, कॉन्टेंट. आप एक इतने इंपॉर्टेंट मीडिया जिससे लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज होता है, आइडियाज दे सकते हैं, लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, आप उसके इंचार्ज हैं, एंड दिस इज वॉट यू आर क्रिएटिंग. और सो उसने आगे जाके फिर दिखाया उसने उसकी अम्मा को भी, वो शी वाज कैरिंग दैट स्टोरी थ्रू, शी डिडंट स्टॉप ओवर देयर. आई थॉट ये अम्मी को बता देगी, वहां भी जाके उसने यही उसका दोगलापना कहते हैं क्या कहते हैं, उन्होंने फिर दिखाया. एनीवे, व्हाट आई डिड वांट टू पॉइंट, आई वाज क्वेश्चनिंग राबिया कि क्यों दिखा रहे हैं इतना ज्यादा, क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि फिर वो दिखाते हैं कि माहिर जो उसे कहती है तो कि तुम ऐसे इंसान हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम ये हो तुम वो हो, मैं यू नो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी अगर कुछ भी हुआ साथ को. आर दे नाउ ट्राइंग टू शो कि अगर माहिर हैज टू गेट ओवर जावियर ओनली बाय हेटिंग हिम लाइक दिस एंड देन शी विल गो टुवर्ड्स साद, व्हाट आर दे ट्राइंग टू, बिकॉज माहिर पहली दफा जिंदगी में बोली है, तब बोली है जब जावियार ने ये सब बदतमीजी करी है एंड ही इज डन ऑल दिस. सो कैन वी नॉट जस्ट सी दैट माहिर मूव्स टुवर्ड्स साद बिकॉज शी लव्स हिम और शी हैज स्टार्टेड लविंग हिम, डस शी हैव टू हेट द अदर पर्सन टू डू दैट? दैट इज माय क्वेश्चन, व्हाई आर दे शोइंग दिस? नहीं, मेरा ख्याल है वो तो बहुत पहले मूव ऑन कर चुकी है. पिछले दो एपिसोड में वो हल्का हल्का दिखा रहे हैं, उन्होंने बहुत ही माठा किस्म का रोमांस दिखाया और माहिर का चेंज ओवर दिखाया. तो वो तो मुझे लगता है माहिर बहुत पहले इस बात को रियलाइज कर चुकी थी कि नहीं, अरीब इज नॉट द गाय फॉर हर, एंड अरीब इज नॉट द पर्सन. उसको अरीब के लिए फीलिंग्स भी मुझे लगता है कि नहीं है, अब वो खत्म हो गई है मेरे जहन में. मुझे नहीं पता आगे जाके क्या ट्रैक होगा, क्योंकि रियली यू कैन नॉट प्रिडिक्ट पाकिस्तानी ड्रामास. सम वेज यू कैन प्रिडिक्ट कि दे'ल डू दिस फ्लैशबैक्स एंड घिसा पिटे ट्रैक्स, बट ऑन द अदर हैंड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि वो क्या नई चीज निकाल, नहीं, क्या आपको इससे भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेट करने वाली चीज निकाल के आएंगे. माय अपोलॉजीज, बट दैट्स सो टू मी, मेरे मुझे जितनी समझ आती है, अगर मैं सोचू, थोड़ी सी लॉजिक लगाने की कोशिश करूं जो शायद मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि आपने अभी तक ये दिखाया कि अरीब ने मोहब्बत, माहिर ने मोहब्बत की, लेकिन माहिर ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन माहिर को हर वक्त उसके लिए एक सजा भुगतनी पड़ी और माहिर की बात का कोई यकीन नहीं करता था. तो अब आप ये दिखा रहे हैं कि अब साद की बारी है,
अब साद की बात पे कोई यकीन नहीं करेगा और साद विल हैव टू पे अ प्राइस फॉर दिस जस्ट लाइक माहिर डिड फॉर सो मेनी यू नो मंथ. एंड माहिर जो है अब वो साद के साथ खड़ी होगी जैसे साद उसके साथ खड़ा था, और वो सबकी बातों को छोड़ के उसकी बात पे यकीन करेगी. इसके अलावा क्या स्टोरी आगे जाएगी मुझे नहीं पता, या लॉकअप में मार देंगे साद को या क्या होगा, आई हैव नो आइडिया. Very, very silly storyline because people who have grown up with Saad, his mother and his sister should understand him and believe him. वो तो समझेंगे, वो तो नहीं करेंगे, दुनिया वो करेगी नहीं ना करेंगे. बाहर के लोग. मैं तो सोच रही थी कि जाबिया उसे कहेगा कि तुम तो उसको छोड़ के मेरे पास आ जाओ तो फिर हाँ रिलीज करूंगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं कहा है. आई थिंक जावियार भी अरीब भी ना उस पॉइंट पे आ गया जहाँ वो कह रहा है अब तो मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे इसको सिर्फ तकलीफ पहुंचानी है. सो यस, आप रिवेंज का ये एंगल अगर खाली रख लेते तो शायद ये बेहतर हो जाता, फिर कुछ दिखा देते अरीब का मकाफाते अमल या अरीब की रिडेम्पशन दिखा देते. बट अब तो कहानी बिल्कुल ही एक ऐसे ट्रैक पे चली गई जिसपे जिसको देख के एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा अफसोस और डिसअपॉइंटमेंट होती है. बिल्कुल बिल्कुल. वो क्लिफ के ऊपर एज पे लाके ना धक्का दे दिया है नीचे. एज पर पहले जरा थोड़ा सा ना वो हो रहा था, बैलेंस हो रहा था कि इधर जाएगी उधर जाएगी, अभी तो मुझे लग रहा है पूरा का पूरा धक्का दे दिया नीचे स्क्रिप्ट एंड को. देन दूसरी बात ये, मुझे मैंने ये अपनी पोस्ट पे भी लिखा था, आई थिंक जितना हमने देखा है जितना मेरी इंफॉर्मेशन है, एक कॉल आपको अलाउड होती है, यू आर अलाउड वन कॉल व्हेन यू आर अरेस्टेड कि आप किसी अपने लॉयर को कॉल करें, किसी को करें, बिकॉज एक कॉल तो अलाउड होती तो अलाउड कॉल, बट ये पुलिस वाले ने तो पैसे खाए हुए हैं ना, उसने कहा था गरीब से दोस्ती कर ले और गरीब ने उसको पैसे दिए थे हमारे सामने, तो वो तो उसके नहीं है. करने देता. सो वो तो उसने तो ऑलरेडी ही इज करप्ट, सो आई थिंक दैट्स ठीक है, फाइन. सही है. बट अब जब ड्रामा दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी दिखा सकते हैं कि वो एक कॉल तो करता ना, अब वो माहिर जा रही है एक थाने से दूसरे थाने से तीसरे थाने, तो वो अजीब सा एक और ड्रैग हो रहा था कुछ, हमें कोई कोई मुझे सिंपैथी नहीं हुई माहिर के लिए सारे उसमें. I was just looking, oh my God, how many episodes left? अगर ये अभी यहाँ शुरू कर रहे हैं इसके जेल का किस्सा, एक दफा पहले भी वो जेल जा चुका है, बल्कि आई वॉज थिंकिंग जब वो नीलू आके बताएगी अम्मा से, अम्मा कहेंगी फिर से चला गया जेल, बिकॉज अभी तो गया था कुछ किस्तों पहले. सो इट्स जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ व्हाट दे हैव ऑलरेडी शोन, सो डोंट यूज द सेम थिंग अगेन. ठीक है जी, वी कैन मूव टू झोक सरकार. We can move to joke सरकार. I just want to say one final word. And मुझे प्यार हुआ था. I think अगर यहाँ हानिया जावियार और वहाज नहीं प्ले कर रहे होते तो शायद लोग ये ड्रामा देखना बहुत पहले बंद कर चुके होते. तो आप अच्छे स्टार्स को प्लीज बुरी स्क्रिप्ट्स के लिए यूटिलाइज मत करें, ना सेंसेशनलाइज नहीं करें, बिकॉज इट्स नॉट फेयर टू द ऑडियंस. कहिए. सो द रिवर्स कैन ऑल्सो बी सेड ना, अच्छे स्टार्स को चाहिए कि वो बुरी स्क्रिप्ट्स का चॉइस की चॉइस ना किया करें. वो तो फिर उनके फिर फैंस आके उनको डिफेंड करते हैं ना कि उन्हें तो स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी थी, आप डायरेक्टर को कहें आप राइटर को करें, वो तो बेचारे हाँ कर देते हैं ऐसे, उनको तो पता ही नहीं होता स्क्रिप्ट क्या नहीं होता. तो फिर अच्छा, खैर इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन. हाँ, इट्स अ लॉन्ग डिबेट एंड आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग दैट्स व्हाट पीपल डू से. ओके, झोंक सरकार. सो फरहान जी सही ने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है झोंक सरकार की, आई थिंक अच्छी तरह पढ़ी हुई है, और हमारी उम्मीदें जो है वो यूं करके यूं चली गई हैं ऊपर आसमान पे, क्योंकि अभी तक जो हमने एपिसोड्स देखे हैं तो हमें बहुत मजा आ रहा है. वी आर गेटिंग द फ्लेवर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ हीरो हु इज, बड़ा मुश्किल होता है इतने ड्रामे चल रहे हैं कि आप एक ऐसा हीरो जो है ना वहां से खींच के निकाले जो चीजें मुख्तलिफ तरीके से करे, या वही चीजें करे लेकिन उनको ऐसे मजेदार बनाए उसको कि हमें मजा आ रहा है देखने में, एंड दैट्स व्हाट फरहान इज डूइंग विद दिस कैरेक्टर. और मुझे ये लगता है कि स्टोरी की एग्जीक्यूशन जो है ना, जो स्टोरी टेलिंग है इस ड्रामे में, बिल्कुल. वो बहुत जबरदस्त है. ये जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना कि वो रात को बैठा हुआ, अटैक हुआ, अब दो लोग आए, अब यू आर क्यूरियस कि किसने अटैक किया है, फिर वो पुलिस वालों को ले जाके भगा रहे हैं और उन्होंने पूरा दिखाया. क्योंकि यूजुअली हमने ऐसी चीजें ना आर्मी के ड्रामों में देखी हैं, तो वो हमें मजा आता था देखे, तो आई थिंक थोड़ा सा उन्होंने वही कॉन्सेप्ट इधर भी यूज किया है, विच इज ग्रेट. बिकॉज मजे का है ना कि आप उनको एक एफर्ट करते हुए देख रहे हैं, थोड़ा सा लाइट हार्टेडनेस भी आ गई है, और फिर पूरा ऑफिस का भी, जो जो पुलिस का थाना है उसकी भी कितनी डिटेल्स हैं कि वो आता है, वो देखता है तो ऊपर यू नो छत पे उसको चीजें नजर आती हैं, वो फिर बैठता है, पीछे वो वर्दी लटकी हुई है. सो आई एम जस्ट लविंग ऑल दीज डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ सेट डिजाइनिंग, यू नो इन टर्म्स ऑफ जो उनके पूरे कॉस्ट्यूम्स हैं, इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स, इन टर्म्स ऑफ सारे जो सीन्स है ना, ये बहुत स्टोरी को ना मजे का कर दिया है.
दूसरी बात ये मुझे तो सबसे अच्छा लग रहा है शाजिया, आउटडोर सीन्स हमें इतने नजर आ रहे हैं और डिफरेंट नजर आ रहे हैं, मजे के नजर आ रहे हैं, यू नो. सो इट्स इट्स सच अ प्लेजेंट चेंज फ्रॉम द वॉचिंग द सेम ड्रामा, जो वो 2 से 3 कमरों में होते हैं, उसी बेड पे होते हैं. अब आपको इतना कुछ नजर आ रहा है, बाहर से भी थाना, अंदर से भी लोग भाग रहे हैं, यू नो, सब कुछ. देखो द एफर्ट इन पुटिंग ऑल दोस ट्रक्स ओवर देयर, जो खटारा ट्रक्स थे, फिर वो कमरे के अंदर सिर्फ बाइक्स नहीं थी, उनके ऊपर मिट्टी भी डाली हुई थी उन्होंने. तो जब उठाया तो ही वाज कॉफिंग, जब कपड़ा उठाया तो ऑल दैट वाज एफर्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट सीन, बट दे डिड इट एंड दैट इज व्हाई यू आर एंजॉयिंग इट एंड यू आर सेइंग कि मुझे इसमें भी मजा आया, इसमें भी मजा आया, क्योंकि उन्होंने बाइक भी देखो जो उन्होंने बनाई है, इट्स एन ओल्ड बाइक. अभी वो रिपेयर करके भी जब सब करके लेकर आए, रिफर्बिश करके भी उसको लेकर आए, तो उन्होंने हाँ देखो उसका जो सीट का वो है, वो हल्का सा ठीक फटा हुआ था, यू नो. तो है. दे रिटेन इट्स, यू नो, इट्स क्लासिक लुक, या जो भी उसको एक वर्ड होता है जो मुझे अभी नहीं आ रहा है, वो लुक उसने किए, लेकिन उसने उसको सही कर दिया है. और फिर हमारे उस हाँ उस पे बैठे और वो उसको लेके चल पड़े, यू नो. हाँ चल पड़े. बस मैं भी सोचती कि सीट तो ठीक कर देते, बट देन दे शोर थी भाई इतने पैसे हैं कि बाइक ठीक करते, इतने नहीं है कि सीट भी ठीक करें, तो ये भी अच्छी बात दिखाई थी उन्होंने. अच्छा शैल वी मूव ऑन. हाँ एंड आई ऑल्सो फील द ड्रामा, अगर आप देखें, सी ये इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट है ना, इट्स हाईलाइटिंग द इश्यूज जो आपकी पुलिस फेस करती है इन जगहों पे. मतलब उसने कहा हमारे पास ये नहीं है, हमने अब आप ब्लेम करें पुलिस को कि वो जाके दुकानदार से वो लोन पे ये ले रहा है और वो कर रहा है. वो कह रहे हैं हमारे पास है ही नहीं, हमने फ्यूल लिया हुआ है उधार पे कितने महीनों से, हाँ यू नो, वो ये बात बोलता है. एंड दीज आर सच इम्पोर्टेंट, ये दूसरी एपिसोड में, इससे पहली एपिसोड में भी उन्होंने बताया कि हमें ये चैलेंजेस फेस आउट करते हैं, यू नो. तो मुझे लगता है कि आप डिफरेंट अदारों की बात करते हैं, डिफरेंट जगहों की बात करते हैं, तो पुलिस को हमेशा आप डिसरिगार्ड कर देते हैं. मुझे बहुत अरसे से नहीं याद पड़ा जहां हम इस तरह की चीजें देखें. अभी आप माइन्यूट डिटेल्स में जाके आप उसकी करप्शन भी दिखा रहे हैं, उधर जो चीजें चल रही है मसले की वो भी दिखा रहे हैं, आप होप भी दे रहे हैं कि वो 10-12 पुलिस ऑफिसरों में से 3 अच्छे ऑफिसर भी हैं जो मिलके कुछ अच्छा करना चाह और रहे हैं. आप उस कंटेंजेंट का मोरल भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर उनका जो ऊपर जो सरकार बैठा है वो भी उन्हीं की तरह होगा या उनसे बदतर होगा, तो फिर उनको कोई, क्योंकि वो जो एक जिसको अब वो ड्यूटी दे रहा है उसको पहले शुरू में दिखाया था, वो कह रहा था कि FIR काटनी होगी, से ज्यादा कोई FIR काट, तो ही वॉन्टेड टू डू द राइट थिंग, बट उसका ऊपर वाला नहीं करने दे रहा था. सो नाउ ये लोग भी सीधे होंगे, क्योंकि अंदर से भी पुलिस क्यों ज्वाइन करिए, कुछ तो जज्बा होगा ना. अगेन व्हेन दे वर शोइंग द जॉगिंग, इट वाज अगेन लाइक यू सेइंग फानी के वो एंड में वो एक रह गए, उनसे नहीं किया जा रहा, बाकी आगे हो गए. तो ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती है दिखाना. अच्छा, देन कमिंग टू, आप आ जाए, एक तो सस्सी को मीरल ने देख लिया, वो भी एक प्रेडिक्टेबल चीज, चलो लेट्स सी आगे क्या होता है. बट मीरल भी ना बड़ा इंटेलिजेंट है, उसने कैसे उसकी बहन उसके भाई को पकड़ लिया और उसको बुला लिया. अब बेचारा वो जो भाई है वो एक्साइटेड होकर आ गया, उसको गन भी पकड़ा दी फॉरन ही, उसको ना इससे सही पकड़ा है उसको. बट आपको बड़ा इंटरेस्ट लगा था पीरल और नूरी के डायलॉग्स का. I really enjoy Noori's character, because again वो उसको लेके शुरू से चल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये लड़की अकलमंद है, ये सोचने वाली है, ये रोने धोने वाली नहीं, and that's exactly what Peeral found in her. Peeral से मैं तो समझ रहा था तो तुम सिसकियां लेके रो रही होगी और तुम तो परेशान होगी, लेकिन तुम तो you know you are actually having an intelligent conversation with me and you are challenging me. और उसने एक धमकी दे दी उसको, उसने कहा तुम बार बार शौकत का नाम लेके उसको मेरे सामने खड़ा कर रहे हो और मैं बगावत पे उतर सकती हूँ, और जब मैं बगावत पे उतरूंगी तो मुझे डर, अनफॉर्चुनेटली शी डजंट नो शौकत के साथ हुआ क्या है, और जब उसको पता चलेगा फिर वो बगावत पर ही उतरेगी. दैट दिस इज व्हाई आई थिंक दिस डायलॉग्स वर देयर. डेफिनेटली डेफिनेटली हां उतरेगी, लेकिन यही है कि नूरी का कैरेक्टर, एक तो सबसे पहली बात, हाशिम साहब ने इतने खूबसूरत डायलॉग्स लिखे, इतने खूबसूरत डायलॉग्स लिखे, दे आर मल्टी लेयर्ड, दे मेक यू वॉन्ट टू लिसन टू द कॉन्वर्सेशन, आप बोर नहीं होते. हालांकि सोचो, पीरल इज अ नेगेटिव कैरेक्टर, शाजिया आप नेगेटिव कैरेक्टर्स को देखते ही नहीं, आप बोर हो जाते हैं, आप लाइक ओ, लेकिन यहाँ यू आर क्यूरियस, अब पीरल क्या बोलेगा, उसको कैसे ट्रीट इश करेगा, उस पर फोर्स करेगा, उसे प्यार से आएगा या इसको कुछ और चाल चलेगा. अच्छा, एंड पीरल भी जो है ना बड़ा इंटेलिजेंट है, उसने देखो वो पुलिस वाले को भी फोन करके कितनी कामली बात की उसने, और सब कुछ उसको उसको उसकी, यू नो, सारे पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स उसने इनडायरेक्टली उसको कम्युनिकेट कर दिए. यहाँ उसको नूरी जो है वो बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रही है. तो एक तो मुझे सबसे पहली बात है कि इतना आपने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एक नेगेटिव क्रिएट किया है, हु इज एक्चुअली इंट्रीगिंग यू एंड नॉट बोरिंग यू. देन डायलॉग्स, वो डायलॉग, औरत अपने शौहर का गुनाह माफ कर देती है लेकिन निकाह नहीं,
मतलब क्या डायलॉग है। फिर वो जो आके उससे बात करता है कि अच्छा तुम्हें तो वाकई बुरा लग गया है, मैं आइंदा नहीं हाँ हरकत का नाम लूंगा, लाइक यू हाँ नो वेरी वेरी डीप कॉन्वर्सेशन। और वो जिस तरह तुम बोल रही हो, नूरी भी उसको जवाब दिए जा रही है, उसको फोन हाँ भी कर रही है, उसे अपने अपनी बात भी बता रही है, अपना बागियानापन भी थोड़ा और थोड़ा। वो कह रही है मुझे तुम्हारा निकाह भी नहीं बुरा लगेगा, दैट इज ऑल्सो गेटिंग टू हिम कि भाई इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. सो द फैक्ट दैट शी इज नॉट पुल टुवर्ड्स हिम, दैट इज इंट्रीगिंग हिम ऑल्सो कि इसको मैं कैसे वो करूं. लेकिन नहीं, एंड आसिफ रजा मीर हैज परफॉर्म रियली वेल, यू बिकॉज यू सी दिस सेंसिटिविटी एंड देन यू सी दिस यू नो के आई नो हु आई एम, आई हैव दिस पावर, लेकिन ही इज मेल्टिंग इन फ्रंट ऑफ नूरी विच ही डिडंट एक्सपेक्ट. और मुझे ये बात अच्छी लगी, उसने कहा कि जो भगाई हुई लड़की होती है उसकी इज्जत नहीं होती, लेकिन उसने पिछले एपिसोड में कहा था, ही सेड अब मैंने इससे शादी कर ली है, अब कुछ भी होगा शी इज पार्ट ऑफ दिस हाउस. सो पीरल का आप विलन तो है, लेकिन आप एक थोड़ा थोड़ा शेड ऑफ पॉजिटिव कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं जो हमें उसके बेटे में नहीं नजर आ रहा. बट ही डजंट नो व्हाट हैज हैपेंड, अगर तुमने प्रोमो देखा, ही डजंट नो व्हाट हैज हैपेंड विद शौकत, आई थिंक. हाँ, मुझे नहीं लगता उसको पता होगा, वो तो मीरा लगा के किया है ना ये, आई डोंट थिंक ही नो, मुझे नहीं, मैंने प्रोमो नहीं देखा है। लेकिन मामिया हुज माम शाहिद इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब एज नूरी इन दिस ड्रामा। आई थिंक इट्स सच अ ग्रेट एडिशन। उनका भी एक रिसेंटली ड्रामा चल रहा था, मीसनी, जो अभी खत्म हुआ है, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। और शाजिया जब वो परफॉर्म कर रही होती है ना, आई फील शी स्पीक्स विद हर आईज, यू नो, एक इतना पोएटिक दुख उन्होंने नूरी का कम्युनिकेट किया है कि वो रोती धोती लड़की नहीं है, वो एक एम्पावर्ड लेकिन मजबूर फिर भी लड़की है, यू नो, जो फंसी भी है, लेकिन उसने अपनी डिग्निटी को कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। नहीं, आई रियली लाइक, आई थिंक ये इन दोनों को भी कुछ सिखाएगी, जो दो आपस में लड़ रही होती है ना, इनको भी अभी कुछ सिखाई जाएगी. तो वो अपने अच्छा दुख में बहुत ज्यादा है, सो लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल, या ओके, एनीथिंग एल्स वी नीड टू डिस्कस? बट स्टिल नहीं, वेटिंग फॉर सस्सी एंड अरसलान टू मीट ईच अदर, वो नहीं हुआ है, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब कितने 5 एपिसोड हो गए, 3 4 हुए आई थिंक, 5 हो गए, एंड इट इज इंटरेस्टिंग कि अभी तक हीरो एंड हीरोइन का आपस में, दैट दिस इज आल्सो समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट जोग सरकार, उनका टकराव नहीं हुआ है बिल्कुल अभी, तो एंड वी आर मेरी स्टिल सैफी इंटरेस्टेड. साहब से बात हो रही थी, तो मैं उनसे यही मेंशन गई थी, तो उन्होंने कहा कि सस्सी और नूरी का ट्रैक पैरेलल ही चलेगा, सो इट्स नॉट लाइक कि नूरी का कैरेक्टर थोड़ा सा कम है, दोनों का ट्रैक इज सपोज टू बी पैरेलल, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। सो आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम द ड्रामा का, रैप अप करते हैं। अल्लाह शाजिया, आपने कुछ कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना. वी डिड नॉट एक्चुअली, या वी डिड नॉट मेंशन शकील साहब्स पासिंग अवे, बिकॉज बीच में ईद आ गई, मुझे ख्याल आया था. सो आई वांटेड टू से दैट वी वर वेरी वेरी सैड, एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ ग्रेट ग्रेट लॉस, एंड वी मिस हिम, एंड द बेस्ट ट्रिब्यूट वी कैन गिव टू हिम इज के जाके उनके ड्रामे देखें पुराने, एंड सी हाउ इट वाज डन, एंड इट वाज डन. राबिया ही वाज वन ऑफ दोस हीरोज जिन्होंने सिखाया कि मेच्योर हीरोज कैसे कमांड कर सकते हैं एक ड्रामा एंड एक स्टोरी, एक नैरेटिव. दैट्स व्हाट, बिकॉज वी सॉ हिज जर्नी फ्रॉम बिगिनिंग टिल मच लेटर. ट्रू ट्रू, डेफिनेटली इट वॉज अ वेरी सैड इवेंट एंड अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री, एंड अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और उनकी फैमिली को हिम्मत दे इस मुश्किल टाइम से गुजरने की। एंड एक छोटी सी बात, अगर आप इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट हिम और यू वांट टू नो मोर अबाउट हिम, आप जाके, एहतिशामुद्दीन साहब ने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, और राबी उन्होंने उर्दू में किया था, और वो स्पाइक में है 3 4, और बहुत लंबी लंबी उर्दू की लिखाई हुई भी है. एक तो वो उर्दू बहुत ही खूबसूरत उर्दू लिखी हुई है उन्होंने, और उन्होंने शकील साहब का जिक्र किया हुआ है जो उनका रिसेंटली उनसे बातचीत हुई थी. वो प्ले पे भी शायद काम कर रहे थे जो अनवर मकसूद साहब ने लिखा था, लेकिन उस प्ले का आगाज नहीं हुआ, लेकिन वो लिखाई ही बहुत खूबसूरत है एंड काफी लंबी है. सो डू गो एंड रीड दैट इफ यू वांट मोर इनसाइट्स ऑन हिज पर्सनालिटी, इट इज वेरी ब्यूटीफुल. चलिए जी, आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिए। विल सी यू सून, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज़.